नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ NCERT के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कविता। ये क्या कर डाला हमने, प्लास्टिक की थैलियां भर ली हमने, मिट्टी की सुराही बदली प्लास्टिक के बर्तन में, पेपर के भी रूप है बदले, जहाज से लेकर कूड़े दान में बिखरे। अगर हाथ ना पकड़ा बदलाव का हमने, जीवन की कश्ती डूब जाएगी इस दलदल में। चलो रीयूज का मंत्र अपनाएं और अपनी धरती को दोबारा से सुंदर बनाएं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत करीबन 62 मिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस करता है, वो भी सालाना, जो कि निश्चित ही बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा एक छोटा सा कदम कैसे इस संख्या को कम करने में मदद कर सकता है, वो आज हम सीखेंगे खेल खेल में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, जो कि NCERT CIET के मीडिया प्रोडक्शन डिवीज़न में ग्राफिक असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। और हमारे कार्यक्रम में आज है एक स्पेशल गेस्ट, दो स्पेशल गेस्ट एक्चुअली, जो कि है जिशा और लविश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। सर, बात हो रही है रीयूज से रिलेटेड। हमने बात की कितना सारा वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं सालाना, तो अगर आप कुछ हमें बता पाएँ कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ आज हम करने वाले हैं। बहुत सही कहा आपने, ये जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है, जैसे कि पानी की बॉटल जी, आमतौर पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पे यही वेस्ट में हमें नज़र आती है। वन टाइम यूज़ होके इसको हम फेंक देते हैं, राइट। और ये इस किस्म का मटेरियल है जो बरसों तक अगर ज़मीन में दबाया दिया जाए तो तब भी मेल्ट नहीं होता जी, और सबसे ज़्यादा हानिकारक है हर रूप में ये। तो अब इसको जितने समय तक हम इसको रीयूज़ कर सकें, उसके लिए खेल में, जैसे आज आपने बताया कि खेल खेल में हम सीखेंगे, तो खेलने के लिए हमें खिलौने बनाने की आवश्यकता है, तो क्यों ना इन चीज़ों से हम खिलौने ही बना सकें। बिल्कुल। तो मैंने इस प्लास्टिक की बॉटल को इस रूप में देखा है कि इसको एक, अगर हम मान के चलें कि चलो हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसका एक आकार है जो एक हल्के वजन की है, जिसको हम आसानी से हाथ में मुँह कर सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट समझ के उसको एक कवर करके उस पर जो भी चाहें हम उस पर एक आकार दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बच्चे खुद करके देखें, बड़ा आसान सा तरीका है। और वो जो अपने खेलने के लिए अपने आप जब एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कोई एक खिलौना बना लेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ और चीज़ें बनाई हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं कि इसका हम कोई बर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, कोई एनिमल फॉर्म भी बना सकते हैं, और खेलने के लिए एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं। तो इस किस्म के अलग से खिलौने बना के, जैसे ये दो बच्चे हमारे पास हैं, अगर ये कोई दो चीज़ें आपस में बना लें, कोई दो खिलौने बना लें और उससे फिर खेलना शुरू करें। अब सीखने का तरीका जो है, कागज का जब हम बात करते हैं, पेपर से जब हम कोई खिलौने बनाने की बात करते हैं, तो सबसे आसान जो तरीका कहलाता है वो कहलाता है हमारा ओरिगेमी। ओरिगेमी वाला जो तरीका होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ हमें एक पेपर की आवश्यकता होती है और केवल उसको दबा के उसको फोल्ड करके हम आकार बनाते हैं, तो उसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो इस माध्यम से भी, पेपर फोल्डिंग के माध्यम से भी हम पपेट बना सकते हैं, एक आकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं, क्यों बच्चों, है ना। तो एक पेपर चाहिए हमें, सिर्फ हमारे पास पेपर हमारे पास है, अगर आप इजाजत दें तो शुरू करें। जी सर। इसमें हमें सिर्फ इस पेपर को क्या करेंगे कि एक बार इसको डबल कर देंगे, सिंपल, और इस फोल्ड हिस्से को ऊपर रखते हुए एक बार फिर इसको हम डबल कर देंगे। तो क्या किया हमने, एक पेपर को 1/4 किया, तो बीच में आधे का निशान हमें नजर आने लगा, तो एक साइड को लेंगे, आधे तक टर्न कर देंगे, और ऐसे ही दूसरी साइड को लेंगे जी, आधे तक टर्न कर देंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि देख पाए जी। क्या किया हमने, देखो, पेपर को डबल करने के बाद
एक बार आधे का पता चल गया था, उसके बाद फिर आधे आधे तक दोनों तरफ से उसको प्रेस कर दिया, तो इक्वल हो गया हमारे पास चार पार्ट। और ये जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, इसको अगर हम ऐसे फैलाएंगे नीचे तो एक हाउस बन जाएगा, बन जाता है ना, तो बड़ा सिंपल है, बना लोगे। तो ये हाउस बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, इस हाउस को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। इतना काम करना है हमें। नीचे से जुड़ा हुआ है पेपर, इधर दो पेपर मिलेंगे हमें, एक को लेंगे और जहाँ तक पहले मुड़ा हुआ है एक फोल्ड, और इसी तरह डबल फोल्ड, ऐसे ही दूसरे पेपर को सेम डायरेक्शन में एक फोल्ड और ये सेकंड फोल्ड। इतना काम करना है हमें। उसके बाद क्या करना है हमें, एक मार्कर से इसके ऊपर सुंदर सी आँखें बना देते हैं दोनों तरफ, और फिर इसको ऐसे बीच में से फैलाते हैं ऐसे, और यहाँ से अंदर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा एक प्यारा सा आकार आपको मिल जाता है, जिससे आप खेल पाते हैं। नहीं सर, अगर चाहे तो टीचर्स इसको क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हमें ऑब्जेक्ट मिल गया जिसको हम हाथ से मूव कर सकते हैं, और उसका ऐसा लगेगा कि जैसे ये बोल रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट मिल गया हमको, एक फॉक्स की शेप में, पॉइंटेड फेस है, कान पॉइंटेड है, तो फॉक्स जैसा नजर आ रहा है। तो एक अगर कैरेक्टर हमें मिल जाता है जी, तो इसी माध्यम से अगर एक और कैरेक्टर हमें बनाने का तरीका पता हो, तो केवल ये दो कैरेक्टर बना के भी हम बच्चों के साथ इस आर्ट के साथ यूज कर सकते हैं, उनके साथ पपेट के साथ खेल सकते हैं जी। तो आप में से फॉक्स कौन बनेगा? फॉक्स आप बनते हैं, ठीक है। और क्रो किसको बनाए? वेरी गुड, क्रो आपको बना देते हैं। तो लेकिन कलर दोनों का वाइट कर दें या क्रो को ब्लैक बना दें? ब्लैक कर दें। लो भाई, ब्लैक ढूंढना पड़ेगा पेपर, अगर ब्लैक मिलता है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी एक सेल्फी वीडियो बना सकते हैं और उसके द्वारा अपना प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। ध्यान दें कि वीडियो की अवधि 30 सेकंड से ज़्यादा ना हो, और आप उसको हमारी ईमेल आईडी जो कि है ciet.kishoremanch@gmail.com पर भेज सकते हैं। जी सर। हाँ देखिए, जैसे आपने कहा कि ब्लैक कलर में क्रो बनाते हैं, तो ब्लैक कलर का पेपर लिया, और अब हमें पेपर चाहिए एक वर्गाकार, मतलब एक स्क्वायर पेपर चाहिए हमें। तो पेपर को स्क्वायर शेप में लेने के बाद एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको आप अलग से रिमूव कर दीजिए, तो अब आपके पास एक स्क्वायर पेपर मिल गया। अब इस पेपर को आमने सामने ऐसे जोड़ते हुए हमने एक बार इसको डबल किया ऐसे त्रिभुज के आकार में, फिर एक बार इसको हमने ऐसे दोबारा डबल किया, तो बिल्कुल आधे का निशान मिल जाएगा हमको जी। तो इसी आधे का निशान मिलने के बाद एक साइड को लेंगे और आधे तक टर्न करेंगे, ये देखिए, फिर दोबारा आधे का निशान मिलने के बाद फिर इसको आधे तक टर्न करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसको भी दोनों तरफ से। तो ये जैसे कोन होता है, आइसक्रीम कोन, उस कोन का आकार मिला जी। तो उसके बाद फिर इसको ऐसे ऊपर किया तो बोट का आकार मिल जाएगा दोनों तरफ से, ये देखिए। दोबारा फिर ये जब कोन बनने के बाद जी, फिर इसको ऐसे ऊपर फोल्ड किया तो ये क्रो के विंग्स बन गए हैं, देखने में बोट जैसा नजर आ रहा है। लेकिन अब इसके हमें ये जो ट्रायंगल है डबल है जी, इसको सिंगल करना है, तो सेपरेट करना पड़ेगा पेपर को ऐसे, और फोल्ड को एज इट इज रखते हुए फ्रंट पोर्शन को नीचे की तरफ टर्न कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल हमें नजर आए जी। इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास मिल गया अपर बीक, सेम डायरेक्शन में इसको डबल करेंगे
तो ये मिल गया आपको लोअर लोअर, फिर दोबारा देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल को बीक बनाने के लिए एक बार इसको डबल किया, एक बार इसको डबल किया, फिर सारे को पीछे ले जाके पंख से पंख मिला दिए और आपका एक तरीके से क्रो तैयार। और ये बीक को फ्रंट में ऐसे ओपन कर देते हैं, ये देखिए, तो पेपर से ही आपको एक आकार मिल गया जिसको एक क्रो का आकार समझ सकते हैं, और इसकी मूवमेंट आपकी विंग्स के साथ जुड़ जाती है। जब आप विंग्स मूव करते हैं तो इसकी बीक मूव होती है, तो इसको भी हम एक पपेट की शेप में ले सकते हैं कहानी के तौर पे, इसमें भी मूवमेंट दी जा सकती है। तो एक बच्चे को क्रो बना देते हैं, एक बच्चे को फॉक्स बना देते हैं, तो आसानी से इनको खेलने का एक माध्यम मिल गया जिसके साथ ये खेल सकते हैं और एक अच्छी खासी कहानी सोच सकते हैं और खेल खेल में सीखा भी इन्होंने खिलौना बनाना और उसके बाद फिर खेले भी अपने आप में। बिल्कुल, जैसे इसके साथ कर सकते हैं लोमड़ी और कौवे की कहानी जो पढ़ी हुई है हमने। जी सर, आपने बात की थी प्लास्टिक के बॉटल का इस्तेमाल, जो आपने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर इससे रिलेटेड और सर हमें इन्फॉर्मेशन दे पाए या बनाने का तरीका समझा पाए। बहुत सरल बहुत आसान तरीका है प्लास्टिक की बॉटल। मैं प्लास्टिक की बॉटल से भी पहले एक चीज पे और जाना चाहूंगा कि बहुत आसान आसान तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के, इतने सरल माध्यम से कि कोई भी बच्चा आसानी से उसको अगर एक बार देख लेगा तो वो कर लेगा। तो उसके लिए ये तरीका मैं चाह रहा था कि एक बार पता चलना चाहिए सबको। एक पेपर का स्ट्रिप्स, ये पेस्टल पेपर है। इस पेपर का नाम मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा हार्ड होता है पेपर, पेपर की क्वालिटी है, तो उसको राउंड करेंगे तो एक शेप नज़र आएगी। तो सर इसकी जगह जैसे वेस्ट पेपर होते हैं तो क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर आते हैं लेकिन साइड कटिंग करके साइज को प्रॉपर लेने के लिए इस टाइप की पट्टियां बच जाती हैं। पेपर अच्छी क्वालिटी का हो तो उसको यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं पट्टियों से एक बड़ा अच्छा सा आकार बनता है। आप कोई भी बर्ड का आकार बना सकते हो और पेपर के अंदर थोड़ा सा अगर आप क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटी छोटी टेक्निक हैं जिनसे पेपर आसानी से जो आप चाहेंगे वो आकार मिल जाएगा। अब मुझे जैसे राउंड करना था तो हल्का सा अगर इसको मैंने दबा दिया तो इसमें राउंड आसानी से हो गया और इसके ऐसे बॉडी के हाई पावर पे जाके इसको एक आकार मिल गया। और ये जो नीचे पैर बनाने के लिए जो एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास बचा है जी, इसको इस तरीके से 3/4 अगर हम दे देते हैं तो एक आकार मिल जाएगा पैर का, नीचे की आकार। राइट। अब जरूरत पड़ती है बाकी इसमें आपके पास पंख लगाने हैं, पूंछ लगाने हैं, बीक लगाने हैं। बर्ड फॉर्म में यही होता है कि सबके रंग के हिसाब से अलग अलग उनके पंख और पूंछ का आकार हो जाता है। जैसे सर वो पैरेट बनाया हुआ है आपने। हाँ, तो हरे रंग का था तो पैरेट बनाया गया तो ज्यादा उसको अच्छा देखने में लगेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा कि वो पैरेट है। और ये ब्लू है तो इसको हम बर्ड की शेप दे दें जी। तो बर्ड की शेप देने के लिए अब हमें आवश्यकता है इससे आगे इसके पंख वगैरह बनाने की, तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। अब बीच में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इस किस्म का क्राफ्ट करते वक्त हमें थोड़ा सा ड्राइंग का जानकारी आवश्यक होती है। अब जैसे पंख बनाने की बात आती है तो पंख का आकार जो है वो एक बार हमें इस तरीके से बना के देख लेना चाहिए। जी सर। तो ये पंख का आकार पेपर को डबल करके आधी तरफ से एक पंख बना और फिर उसके साथ जुड़ते हुए पूंछ का आकार बनाया और इस आकार को फिर हम अलग कर लेंगे पेपर से। तो हमें ये एक इसकी कमर के ऊपर ऐसे पंख इसको जोड़ देंगे जी। अब केवल इसमें एक बीक की आवश्यकता है। तो बीक
किस कलर का बनना चाहिए भैया? हैं? रेड। और अगर रेड ना मिले तो इस रंग में चलेगा? चलेगा। चलो ठीक है, इस कलर की बीक बना देते हैं। तो बीक के लिए भी पेपर को ऐसे थोड़ा सा डबल करेंगे और डबल करके उसमें भी जस्ट एक बात आ रही है दिमाग में, हम अक्सर ड्राइंग करते हैं तो वो 2D इमेज हम बोलते हैं कि 2-dimensional इमेज है, लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ों को बनाया जाए तो वो 3-dimensional हो जाती है और हम मे बी शायद महसूस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, 2D से 3D में जाने का एक छोटा सा तरीका होता है, प्रिंसिपल होता है कि 2D जो आकार है उसको 3D दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों में ऐड करना पड़ता है, या तो उसके हेड को अगर एक्सटेंड करना है तो उसको हेड गजेट बोलते हैं, और अगर उसको बेस को एक्सटेंड करना है तो उसमें बेस बोलते हैं जी। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा आगे चल के कि उसको कैसे आकार दिया जाता है। अब इसमें जैसे हमें इसकी बीक बनानी थी तो बीक को भी पेपर को डबल करके एक त्रिभुज का आकार लिया हमने और उसको, और ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आर्ट के अंदर आपको सही गलत पूछने की आवश्यकता नहीं होती जी। आर्ट के अंदर सही गलत आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होती, आपको खुद इस बात को दिखाई दे जाएगा कि उसका आकार कितना होना चाहिए। अब जैसे बीक बनाने की बात थी, बीक आपको यहाँ थोड़ा सा गोंद लगा के इसके साथ चिपकाना है उसको। हाँ, लगाना है जी। और अगर हम इसको ऐसा रखेंगे कि बीक खुली हुई है, चिड़िया का बीक खुली हुई है, तो दो हमारे पास ये बीक मिली हैं, तो इसको इसके जो नीचे वाला है उसको एक बार थोड़ा पहले लगा देंगे और जो ऊपर वाला है उसके हिसाब से फिर ऊपर वाले। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन सुंदर। अब इसमें कमी है सिर्फ आँखों की, है ना जी। तो इसके लिए दो आँखें और लेके आते हैं कहीं से। अभी के लिए पेन से बना देते हैं सर। पेन से भी बनाई जा सकती हैं, वैसे हमें आँखें मिल भी जाती हैं। बाजार के अंदर बच्चे खिलौने बनाते हैं तो उसमें कुछ आँखें आ जाती हैं बाजार से में जी। वो लगा देंगे तो थोड़ा सा और बच्चे में उसमें रुचिकर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि उसकी आंखें मूव करती होती हैं, तो आंखें जब मूव कर रही होती हैं तो उसमें लगता है कि ये जिंदा है जी। तो अब आंखों में भी ये चयन करना पड़ेगा कि साइज कौन सी आंखें किस साइज की ठीक लगेंगी। तो आप बताओ भाई, आपके पास ये दो साइज हैं, कौन सी साइज ठीक लगेगी बताओ बेटा। इन दोनों आंखों में से कौन सी आंखें उस पर अच्छी लगेंगी साइज के हिसाब से? कौन सी? छोटे वाली ना। बहुत अच्छी बात है, वो इसलिए कि उसकी साइज जो है आंखों का चिड़िया के हिसाब से छोटी वाली आंखें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, बड़ी वाली आंखें उतनी अच्छी नहीं लगेंगी जी। ये समझ जो है बच्चे स्वयं अपनी उस चीज़ से, ये आपके सामने का आकार मिल गया जी। इसको आप अच्छे अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं जी। ये हमारे पास एक बर्ड का आकार मिल गया जिसको एक पपेट की शेप में भी, हम फिंगर पपेट की शेप में भी इसको मूव कर सकते हैं जी, और इसको एक ऑब्जेक्ट की शेप में भी डेकोरेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं जी। और कई बार हमें जरूरत पड़ती है सजावट के तौर पे, जैसे हम डिस्प्ले बोर्ड वगैरह स्कूल्स के अंदर होता है कि आपस में ग्रुप बने होते हैं, हाउसेस बने होते हैं, अपने अपने डिस्प्ले बोर्ड को वो लोग सजाते हैं, तो उसमें भी बड़ा आसान तरीका है कि आप इस किस्म के 3-dimensional आकार बना के वहाँ सजाओ जी। तो इस वाले मेथड को हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिप्स मेथड जी। ये जिससे हम एक स्ट्रिप्स का सहारा लेते हैं और एक स्ट्रिप्स की शेप को
मोड़ के आकार देते हैं जी। तो इसमें एक तो बर्ड फॉर्म बना सकते हैं हम, और ऐसे ही कोई भी चाहे तो एनिमल फॉर्म भी बना सकते हैं। राइट, बहुत तरीके हैं इसके। और जो आपने अभी जिक्र किया था 2D को 3D में ले जाने का, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जी। उसमें मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे रैबिट बना के देखते हैं हम, ठीक है भैया? आप लोग ड्राइंग करते हैं थोड़ा थोड़ा? चलो बड़ी अच्छी बात है। आपने रैबिट को देखा है? हैं? रैबिट देखा है? अब देखा है, लेकिन अभी तो हमारे सामने नहीं है। तो अभी अभी हमें रैबिट चाहिए, तो क्या करेंगे? रैबिट की ड्राइंग बनाएंगे ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ड्राइंग आना चाहिए, और एक थोड़ी सी शीट उधर करते हैं बीच में, ताकि हम देख पाए जी। सॉरी, और इस प्रकार ये हमने एक रैबिट की ड्राइंग बनाई है। तो ये जो ड्राइंग हमने बनाई है, अब हमें कान बनाने बाकी हैं, कान यहाँ बनेंगे। इसको हम 2D कहते हैं जी, कि इसमें हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन 3D में उसकी गहराई, ऊंचाई, मोटाई सब पता चल, सब अलग से दिखाई दे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको अलग कर लेते हैं, और इसके लिए डबल पेपर करा हुआ है जी। तो मुझे साइड, इसको बोलेंगे साइड ड्राइंग। ओके, तो ये साइड की ड्राइंग है, साइड से हमें रैबिट ऐसे दिखाई देता है। इसको इस ड्राइंग के हिसाब से इसको अलग कर लेंगे। सर थोड़ा सा उधर हाथ करके अगर आप जी, इसको इस तरीके से जैसे हमने ड्राइंग करी है उसके हिसाब से उसका अलग कर दिया हमने इसको। अब इसको 3D करने के लिए मुझे आवश्यकता है इसके बेस को एक्सटेंड करने की। ओके, तो बेस का मतलब पैरों के वाले हिस्से को। तो उसमें क्या करेंगे कि जो आकार हमें ये मिला है साइड से जी, इस आकार के हिसाब से